नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर एंड आप लोगों का स्वागत है मोटो यात्रा ट्रैवलिंग व्लॉग में। आज एक और यात्रा पे मैं निकल चुका हूँ और अभी फैमिली के साथ में ही जा रहा हूँ। अभी जो हम लोग रुके हुए हैं एक नहर के ऊपर और यहाँ थोड़ा सा देख रहे थे। बाकी आज का प्लान ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं वडोदरा से कावी कम्बोई के लिए। सो कावी कम्बोई जो है वडोदरा से ऑलमोस्ट 75 या 80 के आसपास किलोमीटर दूर है और वहीं पे समुद्र के किनारे पे सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है। सोमेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वहाँ पे 2 बार दिन में जलाभिषेक करते हैं समुद्र, और वहाँ पे जो लो एंड हाई टाइड होती है उसी टाइम पे पानी आता है और चला जाता है। तो उस तरीके से जो है थोड़ा अच्छी चीज़ है, यूनिक चीज़ है। सो वो देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं और भगवान के दर्शन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक 5 मिनट का ब्रेक लिया और ये देखने के लिए कि ना एक तो नहर है, पानी काफ़ी था, तो यहाँ पे हम लोग रुक गए। पापा और मम्मी जो हैं आगे की तरफ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने गए हैं, बाकी तो चलते हैं अब आगे गाड़ी में। कावी कम्बोई वाला जो रूट है ना, और एग्जैक्टली मैंने जो गूगल मैप पे लोकेशन डाली कावी कम्बोई, और उसी को मैं फॉलो करते हुए आगे आ रहा हूँ। ये जो रूट है इस पे ट्रैफिक भी बहुत कम है और साइड में जो है साइड सीन तो बहुत बढ़िया चल ही रहा है कि बगल में राइट हैंड साइड में नहर है और लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारी ग्रीनरी है, और ट्रैफिक तो इस रोड पे बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट रोड है एकदम, काफ़ी मज़ेदार। मंदिर जो है एकदम पास में है। कपास की खेती जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। ओहो, सामने के नज़ारे देखिएगा। हम लोग एंटर हो गए हैं अभी सोमेश्वर महादेव मंदिर। सामने काफी बड़ा जो है, अच्छा यही है क्या? यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ी रोक के खड़े तो हुए हैं, यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले एक बार मंदिर जाके आते हैं। अभी तो कितना दूर तक जो है था, मतलब पानी तो दिख ही नहीं रहा है, पानी तो दिख ही नहीं रहा है इधर। मैन मंदिर जो है वो आगे की तरफ, वहाँ चल रहे हैं। हल्की हल्की झलक दिख रही है मेरे को राइट हैंड साइड में। ये आ गया, ये है सामने मंदिर। वाओ, ब्यूटीफुल। ये मंदिर है और ये दूर दूर तक लोग गए हैं। देखो समुद्र तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। हम लोग पहुंच गए कावी कम्बोई। चलो भाई बाहर निकलो। अभी तक आ जाओ सभी लोग, अभी सर्दी नहीं है। अप्पू इधर आओ, इधर घोड़ा इधर है मेरे पास, इधर आओ। और ये लोकेशन है भाई, घोड़ा ये रहा। हाँ कहाँ है, कहाँ जाना है अप्पू को, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? घोड़ा पे जाना है। चलते हैं अभी वो मंदिर, पहले मंदिर चलो। हाँ मंदिर चलते हैं सबसे पहले। सो मैं और अप्पू हम दोनों तो साथ हो गए, बाकी लोग भी आगे आगे चल रहे हैं। अभी सबसे पहले मंदिर के दर्शन करेंगे। इस मंदिर के पीछे बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपको मैं बता देता हूँ। ये मंदिर कावी कम्बोई गांव में है और वडोदरा गुजरात से 75 किलोमीटर दूर है, जो कि अरब सागर के कैम्बे तट के ऊपर है ये मंदिर। इसे महीसागर संगम तीर्थ भी कहते हैं। देवताओं के मार्गदर्शन पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था भगवान कार्तिक ने, जब ताड़कासुर का वध किया था। उसके बाद अपना मन शांत करने के लिए ये मंदिर का निर्माण किया था, क्योंकि ताड़कासुर भगवान शिव का ही भक्त था। इसके बाद भगवान शिव यहाँ पे विराजमान हुए, तब से इस तीर्थ का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ गया है, और यहाँ माही सागर नदी का और अरब सागर का संगम भी होता है। इस तरफ देखे ना, दिखेगा एकदम कि भाई पानी तो आता है यहाँ पे, ये देखो मतलब गीला तो है, पानी तो आता है इधर। यहाँ तक देखते हैं, कैमरा लाओ है। तो यहाँ पे जो पानी वगैरह दिख रहा है ना,
ये मॉर्निंग का पानी आया हुआ है। शिवलिंग जो है वो रहा शिवलिंग। इधर चलते हैं नंदी भगवान के दर्शन करने। एक बार दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पे कर लो भगवान के दर्शन। अभी वो पड़ जाएगी भोले बाबा की जय हो। वही पहला मंदिर है जहाँ पे अच्छे से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मतलब फोन कैमरा सब अलाउ इधर। चलो बाबा के तो हो गए दर्शन और अब चलेंगे आगे। ये मंदिर और मंदिर के जस्ट इस तरफ जो है आप देखेंगे। बेटा यहीं रुकना, एक बार यहीं रुको, थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये दूर तक जो इतना खाली जो है ना, ये समुद्र दिखेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना ये यही है, यहाँ तक पानी आता है और लोग आगे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं। वहाँ दूर तक लोग गए हैं, शायद आप लोग देख पाए, आप लोगों को दिख रहा हो तो कैमरे में से। कमाल की फीलिंग यार, मैं भी आगे जाके आता हूँ एक बार। आई थिंक 1.5 से 2 किलोमीटर होगा जहाँ तक लोग अभी गए हुए हैं, और समुद्र उसके भी बहुत आगे है। और कह रहे हैं कि अभी बज गया है 1 और 2 बजे तक का टाइम है जहाँ पे पानी वापस आना शुरू हो जाएगा 2 से 4 के बीच में। क्या कर रहा है बिट्टू? अप्पू अप्पू इधर। अप्पू मंदिर के सामने ही ये है प्रसादी ग्रह, जहाँ से आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब ये गुजरात में है तो यहाँ पे आपको गुजराती खाना मिलेगा। किधर है? ऊपर। कैसे पिटू खाना? तो यहाँ पे मिलता है पूरा मीठा खाना। अपनी श्रद्धा से लोग कुछ दान करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जितने आपकी इच्छा हो वहाँ पे, यहाँ पे आप दान दे सकते हैं। खाने के बाद में खाना मीठा है तो गुजराती फूड है टोटली। आपको कैसा है खाना? कैसा है खाना? इतनी बड़ी बाइट खाई है, इतना बड़ा सब्जी गिराई है। प्रसादी ले ली और अब हम लोग जा रहे हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर तो क्या है, मतलब ये जो समुद्र जहाँ आता है, जहाँ तक आता है, अब जहाँ मंदिर के एकदम मैं बगल में खड़ा हूँ, अभी मेरे पीछे जो है मंदिर है, तो ये मंदिर है। और इस तरीके से जो लोग हैं अभी बहुत अंदर तक आगे जा रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था। यहाँ तक जो है एकदम काली मिट्टी है यहाँ पर, और इससे आगे जो है मिट्टी थोड़ी चेंज होती लग रही है मेरे को, जो मॉर्निंग में शायद यहाँ तक पानी आया होगा। और यहाँ पे जो है कीचड़ भी ज़्यादा हो गई है। अरे मिट्टी जो बड़ी अजीब सी है, गिली 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 सी, पर पाँव के चिपक नहीं रही है। अप्पू आओ आओ आओ। तो अभी मैं और अप्पू हम दोनों पापा मम्मी आगे गए उस तरफ, और हम लोग भी अब आगे जा रहे हैं जहाँ तक समुद्र
लहर आ रही होगी ना, मैं वहां तक टच करके आने का मेरा इरादा है। सो लेट्स गो। कपड़े तो देखो गंदे होने ही हैं यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी मैं इसको लेने वाला हूँ गोदी। ओहो, काफी स्लिपरी है भाई। सो ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना 1 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के आ चुके होंगे। वहाँ पे जो है ये मंदिर है और वहाँ से हम लोग अभी तक इतना आ चुके हैं और अभी आगे जो है सामने समुद्र दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है मतलब पानी का मतलब ये मिट्टी का जो एंड आ गया। चारों तरफ जो खुला एरिया, एकदम चारों तरफ खुला एरिया है, कुछ भी नहीं दिखेगा। और फिर यहाँ पे जो है ये पानी है, कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं। अल्टीमेट जगह यार, नाइस प्लेस। और अब जो है पानी आना शुरू हो गया है। पानी आना शुरू हो गया क्या साहब? एक बार थोड़ा आगे तक जाऊं मैं, भाग के जाके आता हूँ एक बार आगे तक। अभी जो है लोग कह रहे हैं कि पानी आने की आवाज आ रही है और अब जो है यहाँ से पानी आना शुरू हो गया है। इस तरफ से पानी की आवाज आ रही है, बहुत गौर से सुनने में सुनाई दे रही है। तो हम लोग एकदम एंड में आ गए और मेरे जस्ट पीछे पानी है और जो इस तरफ से मेरे जस्ट बैक साइड से अभी सुनाई दे रही है, बहुत हल्की 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 जो है पानी की आवाज आ रही है कि पानी बहता हुआ आ रहा है। दिस इज रियली अमेजिंग मैन। लो मैं मिलो, अब पकड़ो पुक, जल्दी पुक, नानी सिद्धार्थ चक पा जाओ। पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। और चलो 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 चलो। तो अभी जो है पीछे की तरफ से बहुत आवाज आ रही है कि पानी आ रहा है। अब पानी जो यहाँ पे है धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। इधर से आवाज आ रही है पानी की। अब ये कैसी आवाज है, अब ये मतलब कुदरत का करिश्मा है, मान लीजिए यार। लेट्स गो नाउ। पुलिस वाले सब लोग मना कर रहे हैं कि भाई चलो यहाँ से, अब चल के पूछते हैं कि कितना हाइट पे आता है और कितना पानी जो है यहाँ पे ऊंचाई पे आता है, एक बार बात करते हैं। पानी यहाँ पे आता है तो कितना ऊंचा आएगा? कितने कितने 40-50 फुट आता है। नहीं यहाँ पे कितना ऊंचा आएगा पानी? यहाँ पे तो आप ही नीचे है। नहीं जो लहर आएगी ना पानी की, वो कितनी तेज? हाँ वो पानी आ रहा है। कमाल की फीलिंग है यार, मतलब ये तो ऑसम। वापस हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और मंदिर के पास में जाके वहाँ पे वेट करते हैं कि पानी जो है कितनी देर में वहाँ तक पहुँचता है। आपको देखो बेटा, ये मिट्टी भी एकदम ऐसी है कि इस पे जो है पाँव जा ही नहीं रहा है, एकदम पाँव जो है बजरी जैसी मिट्टी है तो पाँव में धस नहीं रहे हैं, स्लीपरी बिल्कुल भी नहीं है और पानी इस टाइम बड़ा गर्म हो रखा है तो चलने में मज़ा आ रहा है। क्या हुआ है, मैं पकड़ूँ अप्पू को? तो कैसा लगा? बढ़िया लगे, अच्छा लगे, अच्छा लगे भाई, अच्छा। मतलब ऐसी चीज जिंदगी में पहली बार देखी मैंने। अप्पू क्या बोल रही है? फर्स्ट एक्सपीरियंस। ऐसी जिंदगी क्या है, जैसे कोई खेल का मैदान हो, खेल का मैदान सारा और उसमें खेलने आए हो लोग। जैसे कोई पानी पानी तो मतलब पानी डाल कर फिर ऐसे पानी डाल के दबा दबा कर दिया हो ऐसे कर रखे लेवल में, तो कितनी गजब की पिक्चर आई। वही तो चीज है। आपको कैसे लग रहा है, मजा आ रहे हैं आपको खेली खेली करने में? इधर देखो, इधर आओ। पानी तो बहुत दूर मंदिर से था। अपन मंदिर जा रहे हैं। हाँ बेटा, अपन मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के पीछे जा रहे हैं अपन। अभी बच्चों के साथ में पर गोदी में लेके वीडियो बनाना यार बड़ा मुश्किल काम है भाई, बट क्या करें, आप लोगों को दिखाना तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार। इधर से नहीं, थोड़ा आप साइड से निकलो, इधर कीचड़ ज्यादा है। एग्जैक्टली पीछे जो है मंदिर के पीछे आ गया, ये दलदल थोड़ी ज्यादा है, दलदल सा है, थोड़ी मिट्टी स्लिपरी है पापा इधर। अरे वाह, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ पे दलदल थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डेंजरस मामला है, चला भी नहीं जा रहा इधर तो। और ये सब लोग बैठ गए हैं पीछे पानी का वेट कर रहे हैं। ओहो हो हो, इधर खतरनाक है भाई, पांव सीधा अंदर जा रहा है।
यार लोग पता नहीं कब सुधरेंगे यार। विमल खाली किसी ने और फेंका दिया इधर गुटखा खा के। मेरे पाँव बहुत ज्यादा धस गए थे, लो इसको पकड़ो एक बार। मैं वापस से वॉक करता करता आ गया और मेरे पीछे जो है ना तो पानी आ रहा है, और पानी की स्पीड देखते हैं जाके एक बार। पानी की लहर, पानी की जो टाइड है वो आ रही है। अभी हम लोग इससे भी आगे वहाँ तक थे तकरीबन, यहाँ से जितना ही अब ये पानी आ रहा है, ये पानी की लहर बहते हुए आ रही है। पूरा चारों तरफ तक इस तरफ से जो है पूरी लहर जो है पानी की बहते हुए आ रही है। अगेन सब लोगों को बोल रहे हैं कि भाई चलो अब आगे, पानी की भाव जो है लहर तेज हो रही है। अब तो कितना खाली है और आगे देखते हैं कितनी देर में आगे पहुंचता है पानी। लहरें जो है तेज हो गई है पानी के। वाह यार, ऐसा नज़ारा लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा है। दिस इज समथिंग अमेजिंग यार। जितनी भी जनता है सभी लोग अब पानी में फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, बाकी अब सब लोग वापस भी जा रहे हैं। मतलब रिस्की नहीं है ये एरिया, बच्चे भी घूम रहे हैं, बड़े भी हैं, बट ये एरिया इतना रिस्की नहीं है कि अगर आपको कोई डर लगे। बट यार मतलब यहाँ आना बनता है यार, एक बात तो है। अबू डूब गई पानी में है। अबू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है बताना जरा है भैया। पानी का फ्लो आया बहुत ज़्यादा। अब और अभी तक जिस जगह पे हम लोग पैदल चल रहे थे ना, वहाँ पे पीछे नाव दिख रही होगी आपको। सो क्लियर आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक अंदर गए थे पानी में, और अभी फिलहाल यहाँ पे पानी भरा हुआ है। सो पानी ऑलमोस्ट 4 फीट के आसपास तो ऊपर आ गया होगा अभी। और ये मंदिर के एकदम बैक में जो है ऑलमोस्ट जितने भी पत्थर वगैरह स्टोन वगैरह थे सारे डूब चुके हैं। सो मॉर्निंग में हम लोग अराउंड 12:30 पे हम लोग आए थे, और अभी जो है 4:30 बज रहे हैं। एंड सो मॉर्निंग में हम लोग इसी यहीं से वहाँ से ऊपर, वहाँ से हम लोग नीचे उतरे थे नंदी बाबा के दर्शन करते हुए, और उसके बाद में हम लोग यहाँ से चलते हुए भगवान के दर्शन करते हुए नीचे मत्था टेक के हम लोग इधर आए थे। अब ये जो जगह है फुल पानी से भर चुकी है, तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो है समुद्र जो है जलाभिषेक करने आते हैं। इसके बहुत मजे हो रहे हैं पूरे दिन से आज। सो दिस इज़ द अमेजिंग थिंग जो आप मैंने यहाँ पे फील करी और आप लोगों को भी मैंने दिखाई है। इतनी देर से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं पर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा यार। इतना शानदार व्यू आ रहा है और इतने शानदार नज़ारे हैं ना अभी यहाँ के कि यार मतलब जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। बस मन कर रहा है कि बैठे रहें देखते रहें इस नज़ारे को। सो कुछ ऐसा था आज का वीडियो, और यार वाकई में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने लाइफ में ना और फैमिली में मम्मी पापा वाइफ ने सभी लोगों ने ना पहली बार इस तरीके का समुद्र देखा था कि ना मतलब अब आप देख सकते हो पीछे ना कितना ज़्यादा पानी का फ्लो यहाँ तक आ चुका है। जब हम लोग आए थे तब यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर तक हम लोग पैदल चल के गए थे,
तो कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब अगर आप वडोदरा आते हैं तो डेफिनेटली एक बार ये लोकेशन आपको विजिट करनी चाहिए, आपकी लाइफ का पहला अनुभव होगा ऐसा। सो इसी के साथ में फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोज बना सकूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए एंड आपके टाइम के लिए।